एक अजीब प्रकार की एक खारिश से आपको फ्री होते हो देख रहा हूं। आपको समझ नहीं आ रही, एक एलर्जी, अजीब प्रकार की एलर्जी आपको समझ नहीं आ रही। आप उसके लिए कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, पर खुदावन करू आपको शुर आए। मैंने कहा खुदावन करू आपको शुर आ रहा बासा दो रहे हो। सिकरी के कारण जख्म हो गए थे, आपने बहुत सारी ऐसे मेडिसिन खिलाई, बहुत सारी ट्यूब्स यूज की, ट्यूब्स भी इसके सिर पर लगाई, पर कोई आराम नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जख्म बने थे, सारा सिर गले आया था, पूरा सिर गला हुआ था और खून भी निकलता था, खून भी निकलता था, और रोता भी होगा ये बहुत ज्यादा। तो अपने हाथ से ऐसे खारिश करता होगा, देखो अपने नाखून से खारिश कर करके जब खून निकल आता होगा तो हाथ भी खून से, ब्लड से क्या हो जाते थे। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम रंजीत है और जो बेरके के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर के बेटी की गवाही है, जो बता रही है कि एक साल हो गया है जो इसको इसके सिर में एलर्जी खारिश की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और अभी जिसके जो काफ़ी मेडिसिन दे रहे थे पहले एक साल से कम थी और अभी 5 महीने हो गए कि बहुत ज़्यादा जी प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि जी बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी दे रहे थे, ट्यूब्स भी यूज़ कर रहे थे और जो बता रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जो बता रहे जितनी मेडिसिन खाते थे उस समय जो खारिश होती थी जिसके कारण जी बहुत ही बच्चा रोता था, तो जो बता रहे कि कुछ समय इसको फ़र्क रहता था पर फिर से जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, और जो बता रहे जी मेडिसिन देकर बहुत सारी ट्यूब्स ही यूज़ कर चुके थे पर जो काफ़ी परेशान हो चुके थे कि इसको पूरी तरह फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके सिर में बहुत ज़्यादा खारिश के कारण सिकरी थी जो बहुत जो बता रहे कि जख्म हो गए थे उसके कारण, और ब्लड भी ऐसे खून भी निकलता था जब भी जो बहुत ज़्यादा बच्चा खारिश करता था, और जिसके कारण जो काफ़ी परेशान हो गए थे और जिसके लिए भी विश्वास करते थे, और जब भी जो मीटिंग में आते थे तो जो रिसीव करते थे हीलिंग प्रेयर को भी, तो जो सिस्टर बता रहे जैसे जो 9 फरवरी की मीटिंग में आए और जब प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु के दास के द्वारा घोषणा हुई कि किसी को अजीब प्रकार की खारिश की प्रॉब्लम है, तो पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैं एक अजीब प्रकार की एक खारिश से आपको फ्री होते हो देख रहा हूं। आपको समझ नहीं आ रही, एक एलर्जी, अजीब प्रकार की एलर्जी आपको समझ नहीं आ रही। आप उसके लिए कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, पर खुदावन करू आपको शुर आए। मैंने कहा खुदावन करू आपको शुर आ रहा बासा दो रहे हो। मैंने कहा इसके प्रति आपके मन में कई विचार आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को भी नहीं आ रही, अपनी मेडिसिन खाई, ट्यूब्स यूज किए, पर आज खुदावन करू आपको शुर आओ। धन्यवाद करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैंने कहा आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। मैंने कहा आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। तो जब जे सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया और जैसे जे सिस्टर आगे आए, अभी हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। सिस्टर बता रहे कि इनका जो छोटा बेटा है इसके सिर में बहुत ही अजीब तरह की खारिश की प्रॉब्लम है और काफी सिकरी जैसे है। उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करा रहे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, और जो विश्वास करते कि जो वर्ड्स आज प्रभु के दास के द्वारा आया है कि जिनको खारिश की प्रॉब्लम है उन्होंने बहुत सारी ट्यूब्स, क्रीम, मेडिसिन खाई और ये अजीब तरह की है कि समझ नहीं आ रही। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अजीब तरह की है कि समझ नहीं आ रही, मेडिसिन ट्यूब सब चूज किया है, अब डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रही कि क्या करें। तारीफ कर दो उस जिंदा खुदा की, दिल से दिल से दिल से। तुझे बता रहे कि जब इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जे आगे आए और परमेश्वर के दास के द्वारा
मैं इनको ब्लेसिंग मिली कि आप विश्वास करें और परमेश्वर इस प्रॉब्लम से, अगर स्वर्ग से परमेश्वर ने जो वर्ड्स दिया है तो आज से आपका बेटा फ्री है। तुझे धन्यवाद किया, तुझे बता रहे हैं कि परमेश्वर ने जैसे जो धन्यवाद किया, तुझे बता रहे हैं कि नेक्स्ट अगले दिन ही जो सिर में सिकरी के कारण जख्म थे, खून थे, वो सूखने शुरू हो गए और अब परमेश्वर ने पूरी तरह से जो उसके सिर में खारिश थी और बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इसका सिर साफ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जख्म नहीं है, जो खून बहुत थोड़ा थोड़ा खून निकलता था जो बता रहे, उससे भी परमेश्वर ने आज फ्री कर दिया है। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे। इनको माइक देना, इनको माइक दो। ये कितने समय से थी ये इसको एलर्जी? इस साल हो गया ही पापा जी, थोड़ी थोड़ी। एक साल से मतलब स्टार्ट हुई और जब बढ़ गई है, 5 महीने ज्यादा होगी ही। 5 महीने से बहुत ज्यादा थी, मतलब सिकरी के कारण जख्म हो गए थे। हाँ जी, बहुत अपने बहुत सारी इसे मेडिसिन खिलाई, बहुत सारी ट्यूब्स यूज की, ट्यूब्स भी इसके सिर पर लगाई, पर कोई आराम नहीं आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज सुनो, आपके पास उस समय की कोई पिक है, कोई आपने कोई फोटो खींची है? हमें भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये कितनी जनवरी की है, कौन सी तारीख की है? 9 फरवरी की, क्योंकि उस समय थोड़ा मौसम क्या था, तो बच्चे के सिर पर कैप थी, क्या थी बोलो? कैप थी, तो हमने भी उस समय ध्यान नहीं दिया कि हम उसकी कैप उतार कर कहीं दिखाओ कैसी है, बोलो क्या है, कैसी है? पर ये आपके सामने है, जिसका बच्चा है वही, उसे तो पता है कि नहीं, बोल गए पूरा मतलब सिर ऐसे गला था, मतलब जख्म बने थे। हाँ जी, सारा सिर ही गले आई थी, पूरा सिर गला हुआ था और खून भी निकलता था, खून भी निकलता था और रोता भी होगा ये बहुत ज्यादा, तो अपने हाथ से ऐसे खारिश करता होगा। हाँ जी, नॉइल लपेट लेता था ही अपने। देखो, अपने नाखून से खारिश कर करके जब खून निकल आता होगा तो हाथ भी खून से, ब्लड से क्या हो जाते थे, क्योंकि वो सारी सिर में एलर्जी के कारण जैसे फिंसी टैब होती ना, वो बन गया होगा ना, तो खून निकलता था। और बच्चा है तो वो करेगा तो खून तो आएगा कि नहीं है? देखो कितने परेशान थे, वो भी 1 साल से शुरू और 5 महीने से इसका प्रभाव इतना बढ़ गया, बोल गया ही 5 महीने से, और इतनी मेडिसिन खिलाई, इतनी ट्यूब्स यूज की, पर कुछ नहीं फर्क पड़ा। पर जैसे ही उस दिन परमेश्वर ने आपके बच्चे के लिए ये बोला, आपने उस वर्ड को रिसीव किया, अगले दिन ही सूखना शुरू हो गया। हाँ जी। और कितने दिन में बिल्कुल सही हो गया? ये हो गया। नहीं नहीं, जैसे मान लो अगले दिन सूखना शुरू हो गया, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर सही हो गया कि ज्यादा टाइम? हाँ जी, 2-3 दिन। 2-3 दिन के अंदर ही सही हो गया। हाँ, जितना वीरवार मैं सुनी थे, शुक्रवार भी खे थे, सूख गए, सूख गए थे। देख लो। हाँ, इसलिए जब भी हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो फेथ से आना, क्योंकि उसकी हजूरी हमें सेम नहीं रहने देती, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए दिल से तारीफ करो कि जब परमेश्वर हमारी मन की बातों को वो हमारे लिए वो बोलता है, तो वचन जब ऊपर से आता हुआ ठहर कर मेरे पास नहीं, उसने कहा आया, जोर से तारीफ करो। मैं जिसको छू लूंगा, रिहा उसे कर दूंगा।